child. तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। आज आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं थोड़ा सा। तो कुछ ऐसा है आज बाहर का नजारा। तो चलते हैं, अब नहाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। गाइस नहा धो के हो गए तैयार, और अब आपने देख लिया कि ब्रेकफास्ट भी बन रहा था, और ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी बनाना पड़ता है यार, क्योंकि वो ब्रेड व्रेड मेरे को जमता नहीं। तो आलू टमाटर की सब्जी बन रही है सुबह, और रोटी बनाएंगे साथ में, और उसके बाद निकल पड़ेंगे, और फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को। कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है मेरा वर्किंग डेज में। ऑफ डेज में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑफ डेज होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं। आप भी बताइएगा कि आपका क्या रूटीन रहता है, आप कैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हे गाइस वेलकम बैक, एंड समय हो गया है दिन के 3:15 बज गए हैं अभी, जस्ट वापस लौटा हूँ, और तुरंत आते ही सबसे पहले भूख लगी थी तो खाना चढ़ा दिया है, दाल चावल। ये दाल बन चुकी है, यहाँ चावल अपना बनने वाला है, और इधर दही रखी हुई है। तो सब रेडी हो जाएगा और खा करके फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, तब उसके बाद आपसे मिलते हैं शाम को। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी अभी एक फ़ोन आ गया अर्जेंट, थोड़ा जाना पड़ेगा, तो तुरंत अभी निकलते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस वापिस आ गए हैं, और अब आकर के रूम में चलिए चाय बनाते हैं। समय हो गया 5:30, लेकिन पहले ये दूध गर्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाहर थोड़ा सा, और बाहर का नजारा कुछ इस तरीके का है। अरे बस करो बस करो बस करो, जाओ जाओ, चल चल चल, कुछ है इनके लिए सेवा पानी। दोस्तों आ गए हैं फिर से ग्राउंड पे अपने, और एक हमको छोटा सा वीडियो शूट करना है जो कल फिट इंडिया रन के उपलक्ष्य में, तो अपनी एक्टिविटी भी हो जाएगी साथ साथ, और वीडियो भी शूट हो जाएगा, इसीलिए ग्राउंड में आ गए फिर से। चलिए, और साथ में सतीश भाई एज यूजुअल फिट एंड फाइन। आयो रे, तो ग्राउंड में आ गए, पीछे कुछ काम चल रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Inside of me, in this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow, grow in the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, love. I would like to tell you my
ये सतीश भाई कौन से कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, और कुचल दिया है मुझे। एक्टिविटी करो, लेकिन करो जरूर, तभी फिट इंडिया का जो सपना है हम सब जो देखते हैं कि ओलंपिक में मेडल आए, तो विदेशों में ये कल्चर का पार्ट है फिटनेस। अपने यहाँ तब लोग थोड़ा सा जागरूक होते हैं जब डॉक्टर कहता है कि भैया सुबह शाम घूमा करो नहीं तो जान पे बनाएगी, तो ऐसी नौबत ना आए और अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाए। मैं अपनी कहानी बताता हूँ जिमनास्टिक की। हाँ बताइए। तो जब सर मुझे सिखा दिए हाँ, तो मैं क्या करता था, ये उछल के कूदना, खड़े हो जाना, बैक बैक हाँ, क्या बोलते फ्लिप, हाँ बैक फ्लिप करना, मार लेता था। अब एक दिन हमारे गांव में इतने तो समय से ही उतना अनट्रेंड हुआ करते, सभी तो अनट्रेंड ही थे हाँ, और इतनी वो व्यवस्थाएं भी नहीं हुआ करती हाँ। तो एक बार मैं क्या हुआ, पुआल था गाँव में, पुआल होते हैं जो धान के क्या होते हैं उपले होती है, वहीं पर मैं बैक फ्लिप मार रहा था, फ्रेंड था उसी से मैं वो चिल्ला दिया, कंसंट्रेशन भंग हो गई। अब मैं इसी रास्ते के लिए यहाँ से अच्छा, और 2 घंटे के लिए पूरे बेहोश, आई थिंक 2.5 घंटे बाद जब मुझे थोड़ी सी आवाज़ आई हाँ, तब मैं उठ के घर गया। उसके बाद से मैंने जिमनास्टिक बंद अच्छा, वही लास्ट मेरे जिमनास्टिक। ऐसे ऐसे भी इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ पे थोड़ा नॉइज भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो वहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मिलते हैं उसके बाद। तो भाई आज का हो गया वर्कआउट कंप्लीट, और चलते हैं रूम की तरफ। और कुछ ही दिन बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो हमारे साथ साथ आप सभी मनाइए आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस बहुत जल्दी 15 अगस्त को, तो उसके उपलक्ष्य में कई आयोजन भारत सरकार के द्वारा आयोजित हो रहे हैं। तो दोस्तों वापस आ गए हैं अभी रूम पर, और समय हो गया है शाम के 7 बज गए हैं। फिर तो वही यक्ष प्रश्न के डिनर में क्या बनेगा, वो तो जब बनेगा तभी पता चलेगा। और दूसरी बात कि आज वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी दिनों बाद मैं ग्राउंड पे गया और ढंग से, जिसे कहते हैं कि क्योंकि सतीश भाई साथ में थे, सतीश भाई के साथ सही रहता है, उनके साथ करने का मन भी करता है, क्योंकि साथ में एक अच्छा पार्टनर अगर आपको मिलता है तो आपका वर्कआउट भी अच्छा होता है। तो अब वर्कआउट के बाद चाहिए हेल्दी डाइट, अब डाइट की तरफ चलते हैं, डिनर बनाते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। चलिए फिर चलते हैं, उसके बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। सो गाइस डिनर हो गया कंप्लीट, और अब टाइम भी बता दें, रात के बज गए हैं 10:15 हो गए, और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं फिर कल, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।